हाय गाइस, मैं लाइव आ चुकी हूँ। 2 मिनट लेट हूँ, बट कोई बात नहीं, इतना तो हो ही जाता है। क्योंकि जब भी लाइव आना होता है या कुछ तैयार होना होता है ना, तो मेरे से हुआ ही नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी हम शूटिंग पे रहते हैं और हेयर मेकअप की आदत पड़ी होती है कि हम हमारे जो हेयर मेकअप वाले होते हैं वही करते हैं। इसीलिए आदत नहीं है मेकअप करने की, तो जितना हुआ उतना करके आ गए। गाइस, एक बड़े ही अच्छी बात बताने के लिए आई है, जो काफ़ी दिनों से आपको पता चल ही रहा है कि क्या हो रहा है। हाँ, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन हमारा शो भी एक मिनट, ये जब मैंने लाल पहनी हुई थी तो फिर तुम क्यों पहन के आए हर्ष? सोच के नहीं पहनी। ये अभी कच्ची और बनियान में बैठ के ब्रेड खा रहा था, तो मैंने बोला 8 बज गए, ये भाग के गया और ये वाली टी शर्ट पहन के आ गया। सो गाइस, थोड़ी ही देर में परिणीति चोपड़ा जी भी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं और हम बताएंगे आपको कि 9 बजे हमारा शो शुरू हो रहा है, जो हुनर से भरा हुआ है और जिसका नाम है हुनरबाज देश की शान। सो गाइस, हमने ये शो बनता हुआ देखा है, हमारी क्रिएटिव टीम, हमारा चैनल, हमारा प्रोडक्शन हाउस, सब ने इतनी मेहनत की है टैलेंट को ढूंढने में, शूट करने में, उनको सवारने में। सो गाइस, जब मैं ये नहीं कहती कि हमारा शो, जब भी कोई शो शुरू होता है नया, प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखा करिए, है ना, और अच्छा रिस्पांस दीजिएगी कि बहुत मेहनत की होती बहुत सारे लोगों ने। मैं ही बोली जाऊँ हर्ष, तुम भी कुछ देश के कोने लॉक लगा दिया था, क्यों ये वाला बटन क्यों? अरे तो तूने हाथ में ही ऐसे दिया। बहुत लोगों ने मेहनत की है शो के लिए, सो प्लीज देखिएगा। देश के कोने कोने से ऐसा ऐसा टैलेंट आया है कि आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत कमाल के लोग हैं। और लोग इतनी मेहनत करते हैं, एक 5 मिनट के एक्ट के लिए 12-12 घंटा तैयार होना, कोई बॉडी पेंट कर रहा है, कोई लटक रहा है, कोई रात को 11 बजे वही वाला एक्ट कर रहा है जो वो अर्ली मॉर्निंग करने का आदी है, तो यू नो लोगों ने बड़ी मेहनत की है, तो प्लीज अगर हम देखकर अप्रिशिएट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और लोग आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, कितने सारे लोग हमें कह रहे हैं, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो मच गाइज। और थोड़ी देर में परिणीति चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ने वाली हैं लाइव में, और मैं बता दूं कि इस बार ये परिणीति चोपड़ा जी का पहला, है ना, टीवी में डेब्यू है। वो पहली बार एक नेशनल टीवी में अपना डेब्यू दे रही हैं और जज बन रही हैं। बहुत ही स्वीट है, इतनी ज़्यादा स्वीट, क्योंकि हम लोग अक्सर नॉन फिक्शन शो करते रहते हैं और ऐसे स्टार्स लोग, हीरो हीरोइन लोग आते रहते हैं अपने फिल्म की प्रमोशन के लिए, बट लगता था कि बड़े एटीट्यूड वाले होंगे क्योंकि फिल्में करते हैं ये, लेकिन जब इनको जानो, इनके साथ काम करो, तो पता चलता है यार हमारे जैसे ही हैं। और परिणीति तो एकदम हमारे जैसी है, मेरे को ऐसे लगता है कि मेरे को मेरी कोई सहेली मिल गई यार, अमृतसर पंजाब की कोई से। हम दोनों खाने की बातें, अचार पराठों की बातें करते रहते हैं, और इतनी ज़्यादा स्वीट है कि मैं आपको, ऐसा नहीं कि वो मेरा शो कर रही हैं तो मैं अभी लाइव जा रही हूँ तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, वो सच में बहुत स्वीट है। और हम सब मिलके हर्ष की बहुत टांग खिंचाई करते हैं, और मेरे फेवरेट जजेस हैं, और जजेस का पैनल एकदम कमाल का है। करण जौहर सर लाइक माय ब्रदर, और मैंने काफ़ी साल उनके साथ शोज़ किए हैं और वो भी इस शो के जज हैं। और मिथुनदा, आई लव यू मिथुनदा, अगर आप मुझे देख रहे हैं या कोई आपको ये कहीं से काट के कोई क्लिप भेजे, तो मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आपको चिढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर आज मेरे घर में बेबी आ रहा है तो आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि आपने हर्ष को कहा था, है ना, डांस दीवाने के फिनाले में, कहा है तेरा हुनर, तो उस लड़के ने दिल पे बात ले ली और बोला कि इतने सीनियर बंदे ने कहा है, अब तो हुनर दिखाना ही पड़ेगा, तो हर्ष ने अपना हुनर दिखा दिया। और बस बेबी आने वाला है, बस 3 महीने रह गए हैं, बेबी आ जाएगा। और चलिए, मैं परिणीति मैम को जोड़ने के लिए, हाय कुड़िया आ गई। सो
ज्वाइंट हो गया, ये ज्वाइंट है। हाँ कैसे करना है? एक्चुअली हम लाइव नहीं जाते ना, तो इसीलिए। देखो इतना भी नहीं आता भारती। अरे तो रुको ज्वाइन करने दो ना। सो मैंने परिणीति जी को रिक्वेस्ट भेजी है, हेलो। हाय 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 परी, कैसे हैं आप? रोज मुझे मिलना पड़ता है तुम लोगों से, एक भी दिन छुट्टी नहीं है। अप्रैल पूरा, हम मतलब अप्रैल तक हमें झेलना पड़ेगा। ओह नो, फीस बनानी पड़ेगी। मुझे पता होता परी कि इतना सुंदर बन के आना है लाइव में। हम अभी फिल्टर निकाल देना तो ऐसी शक्लें आएंगी ना कि सब। हम अभी फिल्टर निकाल देना, ऐसी शक्लें आए कि आप बीच में शो छोड़ सकती हो। ओ हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं? मैं लगाऊं? हाँ लगाओ जरा, लगा, बड़े लगा, बड़े लगा, फिल्टर। मैं तो फिल्टर लगाया है। ओ शिट, मुझे ये सब पता ही नहीं है कि फिल्टर भी लगा सकते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट शूट में पूरा समझाऊंगी आपको मैं। देखिए हमारी इतनी बड़ी सुपरस्टार कितनी भोली है बेचारी, उनको फिल्टर का भी नहीं पता। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम लाइव पे फिल्टर डाल सकते हैं, मुझे नहीं पता। सब डाल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि सारी लड़कियां ऐसी हैं जो सब उठा के सवेरे उठ के इतना ही फिल्टर ला के आ जाती हैं सारी? तनु लोड नहीं आएगी ना, छोड़ दे पार्टी, तनु लोड नहीं आएगी। हां बिल्कुल। सो परी आज सूरत ने आज नई बिगनिंग हो रही है आपकी टेलीविजन में, हुनर बाज शुरू हो रहा है 9 बजे, 1 घंटे बाद, कैसा लग रहा है? मैंने जब सुना कि 9 बजे शो है और 8 बजे मुझे लाइव जाना है तो मुझे बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि 8 से 9 जो मैं नर्वसनेस, प्रेयर्स, मैं योगा ये सब करने वाली थी वो सब मैं कर नहीं पाऊंगी। बट ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं सुबह 5 बजे से उठी हुई हूँ और मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम लोग तो ये करते रहते हो, तुम लोग तो टीवी के वेटरन्स हो और हर हफ्ते तुम्हारा कोई नया शो आ रहा होता है, टचवुड टचवुड। लेकिन मेरे लिए इट्स एक्यूरेट, मुझे ऐसा लग रहा है भारती कि मैं फिर से डेब्यू कर रही हूँ, जैसे मेरी पहली पिक्चर रिलीज हो रही है। आई एम सो नर्वस लोग क्या बोलेंगे, आई एम सो नर्वस कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं, आई एम सो नर्वस कि कैसा आने वाला है, क्योंकि हम लोग तो तुम्हें पता है एपिसोड्स हम लोग शूट करके घर चले जाते हैं, अब उसका क्या बनता है, क्या निकलता है, हमको पता नहीं। के बाद क्या निकलता है? नहीं लेकिन बहुत अच्छे प्रोमोस, लेकिन प्रोमोस बहुत अच्छे हैं। हाँ और फिल्मों में तो जब भी आप लोग रोते हो क्योंकि वो सीन में लिखा होता है, लेकिन इसमें हमें पता नहीं ना, आपको पता है, लेकिन आप आपके दिखे हैं इसमें और सबने बोला कि परी इतनी इमोशनल है, ओ माय गॉड, मतलब कैसे रो रही है वो, मतलब लोग बहुत जुड़े हैं आपके साथ। पता नहीं ये मुझे पता नहीं है कि जैसे मैं किसी कुछ जर्नलिस्ट के साथ मैं इंटरव्यू कर रही थी और उन सब ने मुझे ये पूछा कि यू नो कि क्या ये रियल है और क्या रियलिटी शोज में जो भी होता है वो सब कुछ रियल दिखाया जाता है या नहीं। मैं रियली चाहती हूँ कि आप दो जो इतने बड़े सीरियसली वेटरन्स हो इस दुनिया के, प्लीज बताओ लोगों को कि कितना रियल होता है हर्ष। हम लोग क्या तुम लोग मुझे कभी स्क्रिप्ट देते हो या कुछ बोलते हो कि कब रोना है कब हंसना है? आई वॉन्ट कि तुम लोगों को बताओ कि कितना रियल होता है इन शोज में। करेक्ट। नहीं और सीरियसली ये लोगों को लगता है कि हम टीआरपी के लिए करते हैं जो भी करते हैं, बट वो होता है कि नकली चीज। आजकल ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, ऑडियंस को फिर होता है, ऑडियंस को दिखता है। सो कहीं ना कहीं वो जो स्टोरीज है, और ऑब्वियसली जब आप टीवी में देखते हो तो आपको शायद थोड़ा कम कनेक्ट होता है बिकॉज आप अपने घर में बैठे हो, आप कुछ खाना खा रहे हो, कुछ आपके सामने किसी की कहानी सुनते हो, किसी की कोई इमोशनल बात सुनते हो, तो आप ऑब्वियसली कठोर से कठोर आदमी भी रो पड़ेगा। और परी तो इतनी प्यारी है, फर्स्ट डे जब हमने देखा तो परी फर्स्ट एपिसोड में इतना रोई। हाँ, मुझे 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 लगा मुझे मेरी कोई बहन मिल गई, क्योंकि हमें बड़े मुझे रोना आ जाता था। फिर बाद में ना हर्ष ने बोला कि परी भी रो रही, मैंने देखा, मैं कहा अच्छा चलो कोई बात, हम देवरानी जेठानी बन के
बट जो तूने मुझे एक्सपोज किया है पूरी दुनिया के सामने, ये दिखा के कि मैं ड्रेस के नीचे चप्पलें पहन रही हूँ, चप्पल ऐसा क्यों पहन। किया तूने भारती मेरे साथ? मैंने मैं गाय मैं लोगों को क्या ये, गलत किया था? हाँ वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है कि अरे हाँ वो बिल्कुल एकदम नेचुरल था, हमने एकदम से सोचा कि चलो आज देखते हैं कि जजेस शूट के बीच में इतना क्या इतना होता टेबल के नीचे कैसे होते हैं, तो हमने टेबल के नीचे बता दिया कि हमारे जजेस कैसे होते हैं। और एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है हर्ष के हमेशा पूरा दिन हील्स हील्स पहनना। पहन के नहीं हाँ बैठते। और परी आज तक लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि वो जो ब्रांड था वो जूतों का वो क्या था, किसकी क्या था, क्या वो किसी को पता है वो ब्रांड? तो क्या था नहीं, मेरी जीभ यहाँ से कटी हुई है ना, मेरी जीभ यहाँ से कटी। ट्राई कर बात से क्रिस्टियन ट्राई। श्रॉयल्स क्या था? क्रिस्टियन लुबटन, हम बाटा में खुश क्रिस्टियन। है, हाँ हम हाँ बाटा इसमें खुश बाटा, है, बाटा में रिबॉक खुश है, रिबॉक, एडिडास, इसमें खुश है, जो नाम लिए भी जाए, क्रिस्टियन बुजुबन, ये कुछ नहीं हमें पता। क्रिस्टियन लुबोटा लुबोटा किसका लुबोता? क्रिस्टियन किसी का भी लुबोटा। लुबोता हो, परी से इतनी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जूते वो वाले पहनो जिसका नाम हम बोल सके। अगली बार क्या ओके है, कौन ओके, सा मुश्किल वाला ब्रांड पहनना है, अगली बार मैं कौन पहनने सा वाली हूँ अवे लेजर, है ये अरवे लेजर, अरवे अरवे लेजर। अरवे लेजर। हाँ ये हमारा प्रॉब्लम है, हमको वर्ड वर्ड नहीं समझ आता है। जैसे ही यू वर्ड द वर्ड्स वर्ड्स देन नहीं समझ वी आते, वर्ड गेट आ जाते रोल्ड। ओह गॉड, क्या मैं एक बात बताऊं, मैं जब जब मुझे ऑफर मिला था इस शो का, तो मैंने, मेरा सबसे पहला थॉट था एक्साइटमेंट, कि ये तो मैं बहुत टाइम से चाह रही थी कि मैं टीवी की दुनिया से जुड़ जाऊं। और तुम्हें याद है जिस दिन हम लोग प्रोमो शूट कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि ये दुनिया मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि मुझे लोग बहुत पसंद है और लोगों से बातें करना बहुत पसंद है। लेकिन एकदम से मैंने सोचा कि पता नहीं मैं क्या करूंगी, क्योंकि एक तो तुम दोनों, फिर करण, फिर मिथुन दा, उसमें मैं कहाँ से आ गई? मतलब पहले मैंने कलर से सोचा कि तुम लोग, कलर से मैंने पूछा तुम लोग श्योर हो ना, तुम लोग गलती से मेरे पास तो नहीं आ गए हो? फिर उन्होंने कहा नहीं, अच्छा होगा और ये लोग सब तुम्हें संभाल लेंगे। और सच में वो ही हो रहा है, तुम लोग इतना मुझे संभाल रहे हो, इतना मुझे सिखा रहे हो कि आई फील लाइक अ डेब्यूटांट, और मैं हाँ चार पर वेटरन्स के साथ सीरियसली काम कर रही हम हूँ। जब बैकस्टेज होते हैं तो बैकस्टेज वो टीम होती है जो जो शायद टीवी इंडस्ट्री के सारे नॉन फिक्शन शोज बैकस्टेज की टीम करती है, जो हमारे कैमरामैन्स हैं, हाँ जो हमारा ऑन क्यू, जो हमारे एफएमसी है, वो सारे लोग भी जब बात करते हैं ना तो वो भी वही बात करते हैं कि शी इज सो रियल। बहुत लोग जज बन के थोड़ा एक डिफरेंट पर्सनैलिटी अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप जो एकदम रियल हो ना, मैं ऐसी ही हूँ, मैं पंजाबी में बात करती हूँ, मैं रोती हूँ, मुझे हंसी आई तो मैं हंसूंगी, वो वाला जो आपने जो आपका रियल जोन जो है ना वो टीवी पर, वो बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम मतलब श्योर लोगों तुमने को वही ने समझ बोला ना आएगा। कि अप्रैल तक साथ है, तो अप्रैल तक एक्टिंग कैसे होगी? वो रियली होना हाँ पड़ता। राइट राइट ये बट तो अब है। तुम लोग मुझे बताओ, तुम लोग जजेस के बारे में क्या गॉसिप करती हो, बिहाइंड द सीन क्या चलता है, मैं वो जानना चाहती हूँ। मैं बताती हूँ कि हम जजेस के बारे में कोई गॉसिप करते नहीं, क्योंकि बैक स्टेज इतना काम होता है ना, जब आप लोग एक्ट देख रहे होते हैं तब हमें एक्ट भी देखना है, और उसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट एक्ट तैयार है उसके साथ ब्रीफ चल रहा इंटरेक्शन होता है करना हमारा, है। तो हमें पता ही नहीं चलता। बट बीच में जब थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता है तो हम आपके खजूर देखते हैं खाते हुए, या पता नहीं कौन से कौन कौन से खजूर? रंग, और पीले करण नीले सर सीड। आप, मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो जजेस है वो ऐसे स्नैक्स खाते हैं जो स्नैक्स के नाम पे धब्बा है, उनके 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 अंदर कोई टेस्ट टेस्ट ही नहीं नहीं। होता दोस्तों, ये कहते हमारे हैं जो जजेस, फ्राइड, बिल्कुल टेस्ट नहीं होता। हम दोनों वही बात करते रहते हैं कि वो जो करण सर ने खिला दिया वो दिखने में इतना टेस्टी था, मैंने दो तीन उठा हाँ लिए। वो पतले पतले थे, अच्छा तो हमको तुम लगा कि लोग अच्छे बताओ से हमें पराठे, क्या खाना चाहिए, सही स्नैक्स क्या होते हैं? पराठे नीचे आलू रखो, गोभी कबाब वाले वबाब पराठे, रखिए, थोड़ा कबाब मंगाओ, टुंडे कबाब, बिरयानियां कुछ होनी चाहिए, मतलब ऐसे वाले कुछ अजीब से बिस्किट थे। पैनकेक, हाँ पैनकेक नटेला पैनकेक। हाँ हाँ मुझे अगर ऐसे ये लगा सब होगा तो जो हम लोग भाड़े के कपड़े पहनते हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। नहीं, भाड़े में बड़े भी मिलते कपड़े हैं, मिलते बड़े हैं। मिलते हैं, हम वही करते हैं सच में मैंने वो खाए, पता पर नहीं मैं एक क्या बात थे वो। बताऊं, हाँ मैंने आज अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी डाला था सुबह, तो मैं किसी दोस्त से बात कर रही थी और मैंने कहा मैं बहुत नर्वस हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और जब मुझे टेंशन होती है ना, मैं कभी कभी, मुझे बहुत भूख लगती है और कभी कभी भूख उड़ जाती है, तो आज सुबह मेरी भूख वाली टेंशन हो रही थी कि बस मैं खाऊं और मैं सो जाऊं, क्योंकि मुझसे कुछ हो नहीं रहा था। हाँ तो क्योंकि मैंने मैंने देख भी आज लिया था आपकी दो स्टोरी गोभी भी, के पराठे गोभी खाए सुबह, पराठे। हाँ और हो। अचार और चाय और अच्छा आप दही। भी गो पराठे के साथ चाय वाले हो?
वाह 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 सारे वाह, पंजाबी सारे सारे। तो फिर मैं एक्चुअली और यूजुअली पराठे चाय के साथ पीती क्या? नहीं हूँ, मैं, फिर अगर पराठा हो तो उसके साथ चाय होनी पड़ेगी। वाह हाँ, और वो जो करण सर ने बिस्किट खिलाए थे, मुझे ऐसे लगा था कि एक्सपायरी डेट वाले हैं वो। कोई टेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ, वो मतलब मतलब ऐसा, हम मतलब वो सेम सेम हाँ, टेस्ट है। इससे अच्छा मैं कारपेंटर से पतला पतला लकड़ा कटवा के ले आऊँ। पीपल हु आर वॉचिंग, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, दे वर बकवीट क्रैकर्स, एंड बकवीट क्रैकर्स हमने भारती को खिला दिए, और भारती बेहोश होने वाली थी क्योंकि उसको लगा हम कार्डबोर्ड खा रहे हाँ, हैं। सुखा मेरे को सच में यही लगा कि कारपेंटर से पतली पतली लकड़ी कटवा के तलवा के लाए हैं। तो परिणीति, आप सच में एक्साइटेड है? 9 बजने वाले हैं, मतलब अभी ओ है टाइम। हाँ, मैं 1 सेकंड के लिए एक्चुअली भूल गई थी कि हमारा कास्ट है, मैं टेलीकास्ट है, अभी मैं बातें करी जा रही थी, क्यों याद दिलाया। सच में, और आज तो कमाल होने वाला है, आज हमारे जजेस की एंट्री धमाल है। और लोगों को बता दूं कि प्लीज 9 बजे जरूर देखिएगा। यस हुनर, बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, कई लोग अपने काफी महीनों से घरों से आकर यहाँ पे अपने हुनर की प्रैक्टिस कर रहे हैं और अपने घरों से दूर है इस पेंडेमिक में भी, और बहुत मेहनत की है, और पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है, कलर्स ने बहुत मेहनत की है, प्रोडक्शन हाउस फ्रेम्स ने बहुत मेहनत की है, हमारे जजेस ने बहुत मेहनत की है। सो गाइज, प्लीज जरूर देखना हुनरबाजना। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। एंड बिफोर गोइंग, मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि मेरा डेब्यू है, लेकिन बहुत सारे लोगों की मेहनत है। एंड आई कैन टेल यू, जो मेरे फेवरेट रियलिटी शो के फेवरेट जजेस और फेवरेट एंकर्स, वो सब एक ही शो में है। सो आई फील वेरी प्रिविलेज्ड कि सही मैं बात, बाद से अपनी टीवी जर्नी शुरू कर रही हूँ। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज आर गोना हैव अ ब्लास्ट। इट्स लाइक वॉचिंग 10 ब्लॉकबस्टर फिल्म्स इन वन गो। मतलब एक पिक्चर में जो मजा आता है, वो 10 पिक्चरों का मजा आज ही आने वाला है। हर इमोशन है, एंड आप लोगों को बहुत मजा आएगा। सो सी यू गाइज इन 40 मिनट्स ऑन कलर्स। और बताना आपको हमारे जजेस की एंट्री कैसे लगी, स्पेशली हाँ, क्योंकि एंट्री बहुत क्वकी है, इन दोनों, इन लोगों ने जिस तरह से एंट्री मतलब की वो है, लेविश ओहो एंट्री हुई है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों, कोई हेलीकॉप्टर में आ रहा है, कोई प्लेन में आ रहा है। प्लीज आप गाइज देखना। आप एंट्री देखिएगा, और प्लीज हमें डीएम जरूर कीजिएगा कि हमारे कौन से जजेस की आपको एंट्री अच्छी लगी। परिणीति की तो कमाल है, मतलब मैं इतने एटीट्यूड वाला और इतनी रिच सोच रखने वाला जज पहली बार देखा कि मैं इसी में एंट्री करूंगी। मैं मतलब ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ इस शो में, क्या मैं अभी तक जज हूँ या बस मैं जोकर बन गई हूँ इस शो की? मैं नहीं, सोच आप रही हूँ, जज मुझे हैं, नहीं पता। आप जज हैं, आज आप हमारी आज का सबसे, एपिसोड देखना, आपको तो कलर्स बोलेगा कि भाई बिग बॉस भी आगे आप ही करोगी, सलमान भाई को तो सब सलमान भाई को करोगे। आपको आज जज करने वाली है। ओह सो ठीक है परिणीति, माय गॉड, देखते हैं लव यू 9 बजे बोथ। पुनर्वास, और ऑल द वेरी बेस्ट। आपका पहला शो है परी, होप सो के बहुत ही अच्छा होगा और लोगों को बहुत अच्छा लगेगा और आप बहुत अच्छे दिखने वाले हो। थैंक यू माय लव, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड अब मिलते हैं शूटिंग पे। यस थैंक यू, बाय बाय बाय। बाय। बंद कैसे होता है, बंद कैसे होता है, वाह, बंद भी नहीं करना था तेरे को आया बता। okay.